आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 3.5। 3.4 तक आपके 6 वीडियो जो हो चुके हैं, अब होगा 3.5। आज वीडियो इसका, इस लेसन का आज ये 7वां वीडियो है। लेसन बड़ा था इसीलिए 7 वीडियो बन गए। अब 3.5 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। जैसे आपने इसे पिछला 3.4 में किया सीधाचार्य युक्ति वाला, वैसे इसको करना है। ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें क्या करते हैं आपने श्रीधर आचार्य ये वाला आपने अभी सूत्र से किया, उसी विधि से आपको करना है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर वो करेंगे। पहला दे रखा है निम्न द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। पहला दे रखा है 2x² - 3x + 5। देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हमें, ठीक है। अब तो हो गया आपका 2x² - 3x + 5। अब ये हो गया आपका a बराबर हो गया आपका 2, b बराबर हो गया माइनस का 3 और c बराबर हो गया आपका 5। तो पहला आपका एचर, ये हो गया आपका एचर पद, ये a का मान हो गया और ये b का मान हो गया, ये आपका c का मान हो गया। समीकरण ले लिया, अब लगाएंगे फॉर्मूला। आपको अगर चेक करना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो सूत्र होता है आपका b² - 4ac, b² - 4ac। अगर आपका मान प्लस का आ रहा है, अगर आपका मान प्लस का नंबर आएगा यहाँ पे, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, क्यों इसके वो चेक करने, अगर मान प्लस का आ रहा है या माइनस का, देखते हैं कि अगर मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तो कब होंगे, जब आपका इसका मान क्या है, प्लस में नंबर आएगा या फिर जीरो। माइनस का नंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगी, मूल काल्पनिक। अगर मूल कल्पना करके मानेंगे तो क्या होगा, आपका नंबर माइनस में आएगा। अगर मूल वास्तविक होगा तो आपको प्लस का या जीरो से बड़ा नंबर आएगा। b² - 4ac, बी का मान दे रखा आपको 3² - 3² - 4 * a का मान है 2, c का मान है 5, गुणा करेंगे 3² होता है आपका 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40, 8 5 की 40, 9 में से 41 गए तो बचेंगे माइनस के 31। क्या ये नंबर 0 से बड़ा है, 31 0 से बड़ा है। ये कंडीशन लगेगी, माइनस का 31 जीरो से बड़ा होता है, जीरो से छोटी संख्या माइनस के जो भी नंबर हैं वो सभी जीरो से छोटे होते हैं। इसीलिए क्या होंगे मूल आपके, तो मूल हो जाएंगे आपके वास्तविक काल्पनिक। मूल वास्तविक नहीं है या फिर मूल ही तो काल्पनिक या वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। इसी हिसाब से बाकी क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, पहला का दूसरा। अब देखो पैसे किया वैसे करना आपको, ये हो गया आपका a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया माइनस का 4 और c बराबर हो गया आपका 3। सूत्र था आपका b² - 4ac, b का मान देगा -4, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे 4, a का मान देगा आपके पास 2, c का मान देगा आपके पास 3, 4 माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 24, 3 × 24 हो गया आपको, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 24, देखो माइनस का 24 है प्लस का 16 है तो कितने बचेंगे 8, बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का, तो बचेंगे माइनस का, मान आ रहा आपका माइनस का, जीरो से माइनस का 8 बड़ा है जीरो से, क्या माइनस का 8 से जीरो से बड़ा है, नहीं तो ये बड़ा नहीं है, तो क्या लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। जब तक प्लस का नहीं आएगा तब क्या कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है। इसका तीसरा,
देखो ए का मान हो गया आपका दो, बी का मान आगे कुछ नहीं है तो एक, और सी का मान हो गया माइनस का एक। सूत्र था आपका बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी, बी का मान ए का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान आपके पास दो, सी का मान माइनस का एक, एक का स्क्वायर होता है एक, माइनस करेंगे चार को दो से करेंगे आठ, आठ को गुणा करेंगे माइनस का एक से, प्लस माइनस माइनस तो एक माइनस माइनस के आठ, माइनस माइनस प्लस, एक प्लस आठ बराबर हो जाएंगे आपके नौ। आंसर आ रहा है नौ। जीरो से क्या नौ जीरो से बड़ा है तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जीरो क्या है नौ से छोटा है, क्योंकि प्लस संख्या हमेशा जीरो से बड़ी होती है। इसमें लिखेंगे मूल वास्तविक है, क्योंकि नंबर आ रहे हैं आपके प्लस के, इसीलिए लिख देंगे मूल वास्तविक है। जब तक प्लस का नंबर नहीं आएगा तब तक माइनस का होगा, तो मूल वास्तविक नहीं है। अगर बिन हल कैसे होंगे, हल होंगे बिन कितने भी बिन बिन प्रकार के हल होंगे इसमें। नेक्स्ट तीसरा एक्स, चौथा क्वेश्चन एक्स का स्क्वायर, तो ए का मान हो गया आपका वन, बी का मान हो गया माइनस के चार, सी का मान हो गया प्लस का तीन, बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी, बी का मान है आपका माइनस चार का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान है आपके पास एक, सी का मान है तीन, चार का हो गया सोलह। अगर माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस दो बार गुणा करेंगे माइनस को चार से, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और चार इंटू सोलह, ठीक है। फिर सोलह माइनस चार को एक से करेंगे चार, चार को तीन से करेंगे तो बारह, सोलह में से बारह गए तो बच गए आपके चार, चार जीरो से बड़ा है क्या, गलत। तो ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि चार प्लस का बड़ा होता है, तो चार जीरो से बड़ा है तो हो जाएगा मूल वास्तविक है। और अनेक हल, हल क्या हो जाएंगे इसके, भिन्न भिन्न हल भिन्न है। पांचवा कैसा होगा, ए का मान हो गया आपके पास दो, बी का मान हो गया आपके पास पांच, सी का मान हो गया आपके पास पांच। अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान आपके पास है पाँच, तो हो जाएगा पाँच का स्क्वायर माइनस चार इंटू ए का मान है आपके पास दो, सी का मान है पाँच, पाँच का स्क्वायर होता है आपका पच्चीस माइनस आठ, चार इंटू दो आठ, आठ को पाँच से करेंगे तो चालीस, तो क्या हो जाएगा आपका पच्चीस में से चालीस गए तो बचेंगे आपके माइनस के पंद्रह, माइनस के पंद्रह हो गए तो क्या हो गया माइनस के पंद्रह जीरो से छोटे हैं, जीरो बड़ा है माइनस के पंद्रह से, तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। सेम कुछ नहीं करना इसमें, बस ये थे। अगला क्वेश्चन थ्री एक्स स्क्वायर, ए का मान हो गया आपके पास थ्री, बी का मान हो गया माइनस का दो, सी का मान हो गया वन बाई थ्री एक बटा तीन। सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी, बी का मान कितना है माइनस का दो का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान तीन, सी का मान एक बटा तीन, माइनस का चार माइनस तीन से तीन कैंसिल, बच गए आपके माइनस के चार, सॉरी दो का स्क्वायर जाएगा प्लस का चार, चार में से चार गया जीरो। अगर मान जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएंगे मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर दो दूसरा, निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है, कि ज्ञात करेंगे और उसके मूल वास्तविक बराबर है।
इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक और बराबर। मूल वास्तविक कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर हो और मान क्या होगा? जीरो या जीरो से बड़ी संख्या हो। तो देखो इसको पहले समीकरण सोल्व करेंगे के एक्स, अगर इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो के एक्स को एक्स से करेंगे तो जाएगा के एक्स का स्क्वायर, फिर के एक्स को दो से करेंगे तो जाएगा टू के एक्स प्लस का सिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? मूल वास्तविक हो तो कब होते हैं? ए बराबर हो गया आपके के, बी बराबर हो गया माइनस का दो के, और सी बराबर हो गया आपका छः। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का कितना मान है आपके पास? माइनस का टू के, माइनस का टू के का स्क्वायर माइनस फोर। ए का मान दे रखा है आपके पास के, सी का मान दे रखा है आपके पास छः। अब क्या करेंगे? माइनस का दो का स्क्वायर क्या होता है? चार हो जाएंगे, और के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस चार को छः से करेंगे तो चौबीस, चौबीस को के से करेंगे तो चौबीस के हो जाएगा। देखो यहाँ तक करने बाद हमें कुछ नहीं पूछा के का मान, तो हमें बाकी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें क्या करना है? के का मान। के का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? चार आ रहा है, और क्या आ रहा है? इधर इधर भी के, इधर भी के, तो कॉमन आ गया आपका चार के, कॉमन ले लिया अपने चार के। अब चार बार आ गए के बार आ गए, यहाँ दो के तो क्या बच गया आपके पास? के माइनस, देखो चार का भाग चौबीस में छः, छः चौका चौबीस, और के एक बार आ गया तो क्या बच गया? के माइनस छः। आपको पता है मूल जब दो आते हैं तो क्या होता है? एक हो गया आपके पास चार के, दूसरा हो गया आपके पास के माइनस छः। अब देखो चार के बराबर जीरो, एक मान आ गया के माइनस छः बराबर जीरो, ऐसे दो मान आते हैं आपके पास चार। अब देखो चार गुणा में इधर गए तो भाग में, तो के बराबर हो गया जीरो बटा चार, मतलब का आपका आंसर आ गया के बराबर जीरो, या के माइनस छः तो माइनस के छः उधर गए तो प्लस का, तो गए के बराबर छः, आपका आंसर आ गया के बराबर छः होंगे। ठीक है, कि माइनस का जीरो आ रहा है और के बराबर आपका छः आंसर आ रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें देखो क्या होगा आपका के एक्स का स्क्वायर माइनस, तो इसमें देखो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा आपके पास एक, बी का मान हो जाएगा आपके पास टू के प्लस वन, सी का मान हो जाएगा आपके पास के का स्क्वायर। होता है फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान ये देर का पूरा आपका, तो लिख देंगे माइनस का टू के प्लस वन इन पूरे का स्क्वायर माइनस फोर। ए का मान क्या देर का आपके पास? एक। सी का मान देर का आपके पास के का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस टू को कैसे करेंगे? तो माइनस टू का टू के, माइनस टू को वन से करेंगे तो माइनस का टू, माइनस टू के माइनस का टू। अब क्या करेंगे? स्क्वायर दे रखा है माइनस, देखो इसका स्क्वायर क्या होता है? ये हो गया आपका चार इंटू के, तो हो जाएगा चार के का स्क्वायर। इधर वाला माइनस का दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी से कर लो तो क्या हो जाएगा? टू के, टू के का स्क्वायर माइनस टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो गया टू का टू इंटू टू के इंटू टू प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा फोर के का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दो के का स्क्वायर माइनस, दो को दो से करेंगे चार, चार इंटू दो आठ के, दो का स्क्वायर होता है आपके पास चार, तो ये दो का दो के का स्क्वायर माइनस आठ के प्लस चार माइनस चार के स्क्वायर।
अब देखो दो का स्क्वायर क्या होता है आपके पास चार, इसको डायग्राम ऐसे लिख सकते कि दो का स्क्वायर होता है इस पूरे का स्क्वायर है, तो दो का स्क्वायर होता है आपका चार और के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस इधर क्या आ रहा है आपका ये हो गया आपका इधर इधर माइनस चार के स्क्वायर हो गया। अब देखो ये प्लस का चार के, ये माइनस का चार के, ये प्लस का ये माइनस का कट गया तो बच गया आपका आठ के प्लस चार, आठ के प्लस माइनस का आठ के और प्लस के चार, माइनस के आठ के प्लस चार, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का आठ के प्लस चार। अब देखो अब इन दोनों कॉमन आ रहा है आपके पास चार, तो क्या बचेगा आपका, या फिर इसको माइनस का आठ के प्लस चार बराबर जीरो लिख लो। अब देखो ये माइनस का आठ है इधर गया तो ये गुणा में आठ के तो बच गया के, पहले इसको भेजो प्लस को चार उधर भेजेंगे तो बचेंगे माइनस का आठ के बराबर माइनस का चार। अगर अब देखो ये माइनस का हो गया, अब ये आठ के गुणा में उधर गया तो के बराबर हो जाएगा माइनस का चार बटा माइनस का आठ, माइनस से माइनस कैंसिल, चार एकम चार, चार दूनी आठ, तो आप आंसर आ जाएगा एक बटा दो, के बराबर हो जाएगा आपका एक बटा दो, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हो तो आपको के बराबर एक बटा दो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें माइनस का एक बटा दो आंसर आ रहा है तो ये पूरा माइनस का हो गया, तो माइनस का के बराबर हो जाएगा आपका माइनस का एक बटा दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री, तो इसमें क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा आपका दो, बी बराबर हो जाएगा आपका के और सी बराबर हो जाएगा आपका तीन, ठीक है। अब देखो सूत्र है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान के का स्क्वायर माइनस चार, ए का मान आपके पास दो, सी का मान आपके पास तीन, तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस चार इंटू दो आठ, आठ को तीन से करेंगे तो हो जाएंगे आपके चौबीस, आठ या चौबीस, छः छः चौक चौबीस, ठीक है। के स्क्वायर बराबर हो गया आपका के स्क्वायर माइनस चौबीस। अब देखो अगर हम के का स्क्वायर हटाएंगे, अगर हम यहाँ पर के का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा आपका रूट चौबीस, के बराबर रूट चौबीस, रूट चिन्ह होता तो मान लिया क्या होता प्लस माइनस दोनों। अब चॉइस किसका रूट होता है, चॉइस किसका रूट होता है तो देखते हैं, चॉइस दो का भाग जा रहे हैं बारह बार, दो का भाग जा रहे हैं छः बार, दो का भाग जा रहा है तीन बार, तीन का जा रहा है आपका एक। अगर आपको रूट निकालना है तो इसके आप टुकड़े कर लो और जोड़े बना लो दो दो के, इसका जोड़ा बन रहा है दो का, इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको लिख दो बार, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसको आपस अंदर रख दो, दो इंटू तीन क्या होता है दो इंटू तीन, तो जाएगा के का मान हो जाएगा आपका दो, ये हो गया आपका के बराबर, बाहर बच के आपके दो, अंदर बच के रूट के अंदर बच के दो इंटू तीन छः, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस दो रूट छः, एक बार प्लस में तो प्लस का हो जाएगा दो रूट छः, एक बार प्लस में और एक बार आपका माइनस में, दो रूट छः आपका आंसर। चौथा में आपका a बराबर दे रखा है k प्लस वन, b बराबर दे रखा है आपका माइनस का टू k माइनस वन और c बराबर दे रखा है आपका एक, होता है बी स्क्वायर माइनस ए सी फोर ए सी, बी का मान क्या दे रखा है आपका माइनस का टू k माइनस वन का पूरे का स्क्वायर, फिर आगे फोर, फोर का फोर, एक का मान दे रखा है आपके पास, एक का मान देगा के प्लस वन इंटू है तो इंटू का चिन्ह लगा दो, फिर एक का, अब करो उसको सॉल्यूशन, दो का स्क्वायर होता है आपका चार, चार के माइनस वन का स्क्वायर माइनस, चार को एक से करेंगे तो चार, चार को के से करेंगे तो चार के, चार को एक से करेंगे तो चार, चार के प्लस चार,
चार का k माइनस वन स्क्वायर माइनस चार के प्लस चार। अब देखो k माइनस वन का क्या होता है, k माइनस वन a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी बताया मैंने आपको a माइनस बी का होल को क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का b स्क्वायर। अब क्या हो जाए इसके बाद क्या लिख देंगे, a का मान आ रहा है आपका ये हो गया आपका b का मान, a का मान k का स्क्वायर, तो लिख देंगे k का स्क्वायर माइनस टू टू, a का मान ये k, b का मान एक और प्लस एक का स्क्वायर माइनस ये वाला मान आ रहा है आपका चार के प्लस चार, चार के का स्क्वायर। अब इसका मान दो के चार के स्क्वायर माइनस दो के प्लस एक, ये हो गया पूरा। फिर आ रहा है माइनस का चार के प्लस का चार। अब देखो चार का इसको पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा चार को के से करेंगे तो चार के स्क्वायर माइनस दो के को चार से करेंगे तो आठ के, चार को एक से करेंगे तो चार माइनस का चार के प्लस चार। अब कोई संख्या सेम हो रही है तो सेम कर लेंगे, तो अगर अलग ए स्क्वायर माइनस अगर कोई संख्या अलग हो रही तो यहाँ पर आपका माइनस का वन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ये सब चीज़ माइनस के हो जाएंगे, तो ये भी हो गया माइनस का चार, ये भी माइनस का चार लिख दूँ। अब देखो ये प्लस के चार है ये माइनस के चार कट जाएंगे तो क्या बचा चार के का स्क्वायर, क्या बचा चार के का स्क्वायर माइनस आठ के माइनस चार के, तो कितने हो गए माइनस के बारह के, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस के बारह के, चार के स्क्वायर माइनस के आठ के और माइनस का चार हो गए आपके बारह, तो हो गए चार के स्क्वायर माइनस बारह के। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में आ रहा कॉमन चार, इधर भी के इधर भी के, तो कॉमन आ रहा है आपका चार के, चार के का चार के में भाग गए एक बार या के आपके दो बार है तो एक के बच गया माइनस, चार का भाग बारह में तीन बार, क्योंकि चार का भाग तीन ये तो तीन चार थे बारह के आपका कॉमन आ गया। अब इसके दो मान निकल जाएंगे, एक हो गया चार के एक बार वाला बराबर जीरो, एक अंदर वाला के माइनस थ्री बराबर जीरो, चार गुणा में तो चले गए भाग में तो के बराबर हो जाएगा जीरो बटा चार, मतलब के का मान हो गया आपका जीरो। दूसरा के माइनस तीन, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा के बराबर तीन, तो ये आपके दो मान होंगे के जीरो और के बराबर तीन। आप इसका पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, ए बराबर हो गया आपका के प्लस चार, ए बराबर हो गया के प्लस चार, बी बराबर हो गया आपका के प्लस वन और सी बराबर हो गया आपका एक, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, बी का मान दे रखा आपको के प्लस वन, के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान दे रखा आपको के प्लस चार, फिर सी का मान दे रखा आपको वन, तो वही सेम क्वेश्चन है आपका। ये इसको सोल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो वैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होगा ए ये होगा बी, ए का होगा के का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए का मान एच के और बी का मान आपका एक, सॉरी बी का मान एक का है तो एक का फिर आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस। अब इसको करते हैं सॉल्यूशन, तो चार को एक से करेंगे तो चार, अब चार को के से करेंगे तो चार के और चार को चार से करेंगे तो सोलह, के का स्क्वायर माइनस इनको मल्टीपल करेंगे टू को के से करेंगे तो टू के, टू को कैसे करेंगे टू के, टू को वन से करेंगे तो वापस टू के वन, टू के का टू के आएगा प्लस एक का स्क्वायर आपका होता है एक माइनस। अब
आगे क्या करेंगे इसको, 4k प्लस 16, k का स्क्वायर माइनस 2k प्लस का 1 माइनस 4k प्लस 16। अब k का स्क्वायर हो गया सेम, ये माइनस का सॉरी ये प्लस का 2k, क्योंकि ये प्लस का आएगा तो प्लस का 2k, और ये आपके माइनस के 4k, 2k प्लस के 4k माइनस के, तो माइनस का बच गया आपके पास 2k। ये प्लस का 1 है या प्लस का 16, तो गए आपके प्लस का 17। यहाँ तक इसको थोड़ा आगे देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको तुमने किया है, तो ये माइनस के 4 को कैसे करेंगे, तो माइनस के 4 के माइनस 4 को 16 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस के 16 हो जाएंगे, माइनस के 16 के, और यहाँ हो जाएंगे आपके माइनस के 15, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 16, ये इधर ये माइनस का 16 है, ये प्लस का ये कम हो जाएगा, तो माइनस के 15, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके माइनस के 15। अब देखो, अब ये समीकरण बन गया, तो आपको समीकरण को हल करते हैं, बराबर 0 ये समीकरण हो गया आपका। अब इसको किसी गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, गुणा करने पे 15, जोड़ने घटाने पे 3, तो क्या होते हैं 5 3 15, 5 में से 3 गए 2 बच गए, तो k का स्क्वायर माइनस 5k माइनस 3k प्लस का 3k, 5 माइनस के 3 प्लस के, प्लस माइनस माइनस, तो कितने बच गए 5 में 3 गए 2, फिर बचेंगे माइनस का 15। अब इसको कॉमन ले लो, कैसे भी ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका k, तो k आगे कॉमन, तो k 2 है, 1 अगर 1 रह गया आपका अंदर, इधर k बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 5, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 3, 3 k आ गया बाहर, k अंदर आ गया, तो माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार, तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया आपका k माइनस k प्लस 3, k प्लस 3 बराबर 0, दूसरा हो गया k माइनस 5 बराबर 0, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, तो k बराबर हो गया माइनस का 3, ये हो गया k माइनस 5 बराबर 0, तो k बराबर हो गया आपका प्लस का 5, तो इसमें आ गया आंसर आपका 5 और माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस का इधर आपने कॉमन कह लिया, इन दोनों में 3 ले लिया, तो ये आपका दोनों सेम हो गए। अगर गुणनखंड विधि नहीं आई, गुणनखंड विधि से हमने किया, गुणनखंड का वीडियो पिछले स्टार्टिंग में ये इसका वीडियो क्वेश्चन हुआ 3.3 के लगभग में, जो इसका इसका वीडियो हुआ वो पूरा क्वेश्चन आपका गुणनखंड विधि समझाया, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसको आप इस गुणनखंड वीडियो गुणनखंड वाला देख लें, इसमें आपको ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का लास्ट है, छठा क्वेश्चन दूसरे का छठा, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, तो x k का a का मान होगा इसमें, a का मान होगा k, b का मान होगा आपके पास माइनस के 5, और c का मान भी होगा आपके पास k, सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान दे रखा k इंटू k, तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 माइनस 4 को k से करेंगे तो 4k, k को k से करेंगे तो k स्क्वायर, तो जाएगा 4k का स्क्वायर। अब देखो 25 माइनस 4k, देखो 25 ये आपका इसका 25 इसका ये स्क्वायर इस पर लगा हुआ है, तो 25 माइनस 4k स्क्वायर, अगर मैं 25 माइनस 4 अगर हम देखो 25 किसका स्क्वायर, अगर इसको ऐसा करते हैं तो ये 4 है, 4 गुणा में तो इधर आएगा किस में, 4 25 सॉरी इसको ऐसे रहने दो आप, 25 हो गए आपके, हो गए 4 k को गुणा करेंगे तो 4k स्क्वायर, अब ये गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा आपको मान लो k स्क्वायर बच गया, और ये आपके इसे नीचे आ गया तो क्या बच गया बराबर k, तो बराबर 0 लिख दो इसका, 25 माइनस 4 k स्क्वायर बराबर 0,
अरे 25 प्लस का है उधर गया तो माइनस का, तो बच गया 4k स्क्वायर बराबर 25 बटा, अब ये दो 25 उधर चले गए, अब 4 उधर भेजेंगे तो ये गुणा में तो ये आ गए आपके बट्टा के अंदर। 25 का स्क्वायर होता है 5 का, 25 स्क्वायर होता है मान लो, अब देखो यहाँ तक हो गया, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो इस पर क्या लग जाएगा पूरे पे रूट, तो ये हो गया आपका k का स्क्वायर बराबर 25 बटा 4, यहाँ से स्क्वायर हटाया मैंने, इस पर लग गया आपका रूट, तो k बराबर हो जाएगा आपका, प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे, k बराबर हो जाएगा 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर और 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा एक बार तो प्लस में और एक बार 5 माइनस का 5 बटा 2 आपका आंसर हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपका ये दोनों आंसर, प्लस का 5 बटा 2 माइनस का 5 बटा 2।